हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे बंधन बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 196.33 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन स्टॉक के अंदर लगभग 3.5% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल चुकी है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक के अंदर नेक्स्ट टारगेट क्या बन सकता है और स्टॉक के अंदर नीचे में सपोर्ट लेवल किस प्राइस के पास देखने को मिल रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर नीचे में सपोर्ट लेवल है 190 रुपए। 190 रुपए इस पॉइंट पर स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहेगा। ऊपर में जो एक रुकावट रेंज है वो 209 रुपीज पर है। 209 रुपीज पर स्टॉक के अंदर एक डबल बॉटम बन चुका है। स्टॉक काफी समय से देखें तो एक रेंज बाउंड के अंदर ट्रेड कर रहेगा। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक दबाव देखने को मिल रहेगा। अब इस स्टॉक के अंदर अगर आप एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में जो सपोर्ट लेवल है 190 रुपीज, जहां से स्टॉक एक रिवर्सल ट्रेंड बना रहेगा, स्टॉक के अंदर एक बाइंग देखने को मिल रही है, यहां पर आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 207 रुपीज और अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं तो 225 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो स्टॉक 207 रुपीज के बाद ही स्टॉक को बाय करें, जब स्टॉक अपने रेंज बाउंड को ब्रेकआउट करे। जब तक स्टॉक एक सीमित दायरे को ब्रेकआउट नहीं देगा, स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी पहले से ही है तो आप स्टॉक के अंदर नीचे में 190 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। स्टॉक अगर इस प्राइस से नीचे जाता है तो उस सिचुएशन में स्टॉक के अंदर और ज्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।